Good morning, learners. I'm Dr. Kalpana Lakhida, Assistant Professor Education, Uttarakhand Open University, Haldwani. Today we will discuss about MAET program 104 शिक्षण तकनीक के अंतर्गत शिक्षण के स्तर का अध्ययन करेंगे. शिक्षण के मुख्य रूप से तीन स्तर होते हैं. पहला स्मृति स्तर, दूसरा बोध स्तर, तीसरा चिंतन स्तर. शिक्षा एक गतिशील, सतत, त्रिध्रुवी, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है. अर्थात शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके तीन मुख्य ध्रुव होते हैं, छात्र, अध्यापक एवं पाठ्यक्रम. यह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसके कुछ निहित उद्देश्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करना शिक्षण प्रक्रिया का एक मुख्य भाग होता है. शिक्षण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है. शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ्य वस्तु एक महत्वपूर्ण उपागम है. एक ही पाठ्य वस्तु को शिक्षण उपागम स्थितियां विचारहीन से विचारपूर्ण अवस्था तक ले जा सकती हैं. सर्वप्रथम हम स्मृति स्तर के शिक्षण स्तर का अध्ययन करेंगे. इस स्तर पर ऐसी अधिगम स्थितियां विकसित की जाती हैं जिससे छात्र पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु को सरलता से कंठस्थ कर सके. स्मृति स्तर के शिक्षण में प्रत्यास्मरण और रटने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है. सार्थक एवं संबंधित पाठ्य वस्तु आसानी से याद हो जाती है जबकि निरर्थक वस्तुओं को याद रखने में कठिनाई होती है. कविता पाठ, शब्दार्थ और उनका अभ्यास, संस्कृत के रूप, पहाड़े, गिनतियां, भाषा में वर्तनी, व्याकरण एवं ऐतिहासिक घटनाओं का शिक्षण स्मृति स्तर पर ही अधिक प्रभावपूर्ण होता है. स्मृति स्तर का अपना मूल्य है, अपना क्षेत्र है. इस स्तर को प्राप्त किए बिना बोध एवं चिंतन स्तर ठीक से कार्य नहीं कर सकते. अर्थात स्मृति स्तर का शिक्षण बोध एवं चिंतन स्तर के लिए एक आधारशिला प्रदान करता है. यह स्तर अन्य स्तरों को आधारशिला प्रदान करता है. इस स्तर के सुचारू रूप से संचालित होने पर ही बोध एवं चिंतन स्तर को प्राप्त किया जा सकता है. स्मृति स्तर पर तथ्य रटे हुए होते हैं, उनमें भूलने की प्रक्रिया भी काफी सक्रिय रहती है. इसमें सोचने एवं तर्क करने के लिए स्थान नहीं होता. स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान मॉडल ऑफ टीचिंग इन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. इसका उद्देश्य है तथ्यों को का ज्ञान प्रदान करना, तथ्यों को याद रखना, तथ्यों का प्रत्यास्मरण. स्मृति स्तर के शिक्षण की मॉडल की अगर हम संरचना देखें तो पहला पद है उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम. अर्थात जिस प्रकरण पर कक्षा कक्ष में शिक्षण करवाया जाना है वह इसके अंतर्गत आता है. दूसरा है प्रस्तुतिकरण कि किस ढंग से एक विशिष्ट प्रकरण पर हम कक्षा कक्ष में शिक्षा कार्य करने से पहले उसे प्रस्तुत करते हैं वह प्रस्तुतिकरण कहलाता है. तीसरा है संबंध एवं तुलना. चौथा है निष्कर्ष एवं सामान्यकरण. और पांचवा है प्रयोग एवं अभ्यास, एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस. स्मृति स्तर का शिक्षण शिक्षक केंद्रित होता है. इसमें छात्रों का स्थान गौड़ रहता है. छात्र शिक्षक का अनुसरण करते हैं. मूल्यांकन प्रणाली मुख्य रूप से लिखित एवं अलिखित होती है तथा यह रटने की क्षमता पर आधारित होती है और मुख्य रूप से प्रत्यास्मरण केंद्रित होती है. स्मृति स्तर के शिक्षण हेतु सुझाव. स्मृति स्तर के शिक्षण को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पाठ्य वस्तु सार्थक हो, पाठ्य वस्तु समग्र रूप में प्रस्तुत की जाए, पाठ्य वस्तु क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाए, साथ ही अभ्यास के लिए समय दिया जाए, सतत एवं पुनर्बलन प्रणाली का प्रयोग किया जाए, पुनरावृत्ति एक लय में की जाए. बोध स्तर का शिक्षण स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. बोध स्तर के शिक्षण के लिए आवश्यक है कि इससे पहले स्मृति स्तर का शिक्षण हो चुका हो.
शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार रखते हैं कि उन्हें बोध अंडरस्टैंडिंग के लिए अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, इसका पहला पद है उद्देश्य। बोध स्तर के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है प्रत्यय पर स्वामित्व प्राप्त करना, अर्थात मास्टरी ओवर कंसेप्ट। इसकी संरचना के 5 सोपान होते हैं। पहला अन्वेषण, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मीकरण, चौथा व्यवस्था और पांचवा अभिव्यक्तिकरण। बोध स्तर के शिक्षण की सामाजिक व्यवस्था में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। छात्र अपने विचार प्रदर्शित कर सकते हैं। बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार की प्रेरणा यहाँ पर उपयोगी होती है। मूल्यांकन प्रणाली मुख्य रूप से लिखित, मौखिक, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ विधियां प्रयोग में लाई जाती है। बोध स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव। स्मृति स्तर के बाद ही बोध स्तर की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षक को छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए तथा उन्हें आवश्यक स्वतंत्रता दी जानी आवश्यक है। विद्यार्थियों को यथासंभव अभिप्रेरणा दी जानी चाहिए। शिक्षण व्यवस्था अनुसार समस्या समाधान किया जाना आवश्यक है। चिंतन स्तर पर शिक्षण, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। चिंतन स्तर का शिक्षण शिक्षण की का उच्चतम स्तर है। चिंतन मानव विकास का महत्वपूर्ण पक्ष है। इस स्तर में के शिक्षण में स्मृति तथा बोध दोनों स्तरों का शिक्षण निहित होता है। शिक्षण व्यवस्था समस्या केंद्रित होती है। यह चिंतन आलोचनात्मक दृष्टि वाला मौलिक चिंतन होता है। इसका उद्देश्य छात्रों के बोध व्यवहार को विकसित करते हुए सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करना है। चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु शिक्षण प्रतिमान। चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु हंट के द्वारा एक टीचिंग मॉडल दिया गया, जिसका उद्देश्य छात्रों में मौलिक एवं स्वतंत्र चिंतन, आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना है। इसकी संरचना समस्या की प्रकृति पर आधारित रहती है। समस्या व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों तरह की हो सकती है। यहाँ पर उपकल्पना का निर्माण किया जाता है तथा वेरिफिकेशन के लिए सूझ, चिंतन, मनन, परीक्षण एवं समस्या समाधान विधियां उपयोग में लाई जाती है। सामाजिक प्रणाली, कक्षा का पूर्ण रूप से खुला एवं स्वतंत्र वातावरण होता है। छात्र क्रियाशील एवं स्वप्रेरित होते हैं। कक्षा कक्ष में सहयोग, सामाजिक संवेदनशीलता तथा सहानुभूति का वातावरण होता है। मूल्यांकन प्रणाली, अभिवृत्ति, समस्या समाधान, सृजनात्मकता आधारित निबंधात्मक मूल्यांकन होता है। चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु सुझाव। शिक्षण से पूर्व स्मृति एवं बोध स्तर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। छात्रों का आकांक्षा स्तर ऊंचा होना चाहिए। उनमें सहानुभूति, प्रेम एवं संवेदनशीलता होनी चाहिए। मौलिक एवं सृजनात्मक चिंतन के लिए अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। शिक्षण स्तरों के लाभ। शिक्षण स्तरों का अध्ययन पाठ्यक्रम विकास में सहायक होता है। शिक्षण स्तरों का अध्ययन शिक्षण प्रक्रिया को समझने में उपयोगी होता है। यह पाठ्यचर्या निर्धारण में उपयोगी होता है। छात्रों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षण स्तर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सारांश, टीचिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच इन्फ्लुएंसेस लर्निंग, अर्थात शिक्षण एक उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है जो कि अधिगम को प्रभावित करती है। जैसा कि हम जानते हैं, लर्निंग इज अ प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। मेमोरी लेवल इज मोस्ट थॉटलेस टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव इज मोस्ट थॉटफुल। जैसा कि हमने देखा, मेमोरी लेवल का शिक्षण रटंत प्रणाली पर आधारित होता है, जबकि रिफ्लेक्टिव लेवल के चिंतन पर समस्या समाधान एवं
सृजनात्मक चिंतन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग आर प्रीरिक्विजिट फॉर रिफ्लेक्टिव लेवल। जैसा कि हम जानते हैं कि रिफ्लेक्टिव लेवल का चिंतन एक उच्च स्तर का शिक्षण है, लेकिन इस स्तर को प्राप्त करने के लिए मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल को प्राप्त करना अति आवश्यक। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट अवर टीचिंग इवन एट कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल मे नॉट गो बियॉन्ड मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। प्रारंभिक कक्षाओं में मेमोरी लेवल टीचिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह बच्चे के विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभाती है। स्मृति स्तर के शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अभ्यास कार्य एक लय में करवाया जाना चाहिए। रिपीटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर शुड बी इन रिदमिकल, स्पेशली प्रारंभिक कक्षाओं में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट कैन बी इंक्रीज बाई प्रैक्टिस एंड ड्रिल। बच्चों की धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए अभ्यास बहुत आवश्यक है। अभ्यास के द्वारा बच्चों में धारण क्षमता का विकास किया जा सकता है। जो चीजें याद करी गई हैं वो लंबे समय तक याद रहती है। होल टू पार्ट मेथड शुड बी यूज। हमें प्रारंभिक कक्षाओं में पूर्ण से लेके, जैसे एक कविता बच्चों को पढ़ानी है तो पहले बच्चों को पूरी कविता पढ़ाई जानी चाहिए, उसके बाद उसको छोटे छोटे पार्ट्स में समझाना उपयोगी होता है। अंडरस्टैंडिंग इज सीइंग रिलेशनशिप बिटवीन जर्नलाइजेशन एंड पर्टिकुलर। द टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स। शिक्षक के द्वारा दिया गया मोटिवेशन बच्चों में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टीचर शुड मूव टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग लेवल व्हेन द स्टूडेंट पास आउट मेमोरी लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज प्रॉब्लम सेंटर्ड इन नेचर। यह मुख्य रूप से समस्या आधारित होती है। यह समस्या व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों तरह की हो सकती है। इट डेवलप्स क्रिएटिव ओरिजिनल एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर। लर्नर शुड बी गिवन फ्रीडम टू थिंक इंडिपेंडेंटली। टीचर शुड बी डेमोक्रेटिक इन नेचर। डेमोक्रेटिक मीन्स टू रेस्पेक्ट इंडिविजुअलिटी ऑफ एवरी स्टूडेंट। टीचिंग इज सोशल एक्टिविटी बाई लर्निंग इज अ साइकोलॉजिकल एक्टिविटी। प्रिजर्वेशन ट्रांसमिशन एडवांसमेंट शिक्षण के तीन महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिनको शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत समाहित किया जाता है और इनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। और जैसा कि हमने देखा कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों के बालकों के अधिगम स्तर को बढ़ाना है। लर्निंग लेवल मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को प्राप्त करने में लेवल ऑफ टीचिंग अर्थात शिक्षण स्तर का ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में एक गुणात्मक सुधार में एक मील का पत्थर साबित। थैंक्स। स्टे एट होम। स्टे हेल्दी।